चलिए, इस वक्त दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और दिल्ली आबकारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया की जमानत पर यह सुनवाई दोपहर 2 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी मामले में सिसोदिया जेल में है। कोर्ट ने सिसोदिया और सीबीआई के वकीलों से लिखित दलील जमा करने को कहा है। तो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया इस वक्त 2 एजेंसियों के गिरफ्त में है। एक सीबीआई ने पहले उनको गिरफ्तार किया और सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद जब उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, सीबीआई की रिमांड खत्म हुई, उसके बाद फिर ईडी ने उनको अपनी रिमांड पर लिया। आज मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। और राजू, राजू इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी दोनों के हिरासत में है। पहले तो सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने उनको रिमांड पर लिया। ये जो मामला है, संभवतः ईडी वाला मामला है जिसमें वो रिमांड पे थे, उस पर इनकी जमानत पर सुनवाई होगी। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं बता दूं कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका पर आज सुनवाई है, सीबीआई वाले मैटर पर आज सुनवाई है, और ईडी मामले में, जिस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है, उस मामले में 25 तारीख यानी कल उस पर सुनवाई होनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई है और मनीष सिसोदिया का जो ग्राउंड है, जो मजबूत अब ग्राउंड कह सकते हैं, जिनके आधार पर उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई ने आबकारी मामले में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया, 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से सभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत दे दी गई है। यही जब पिछली सुनवाई चल रही थी तो मनीष सिसोदिया के लॉयर की तरफ से ये कोर्ट के अंदर दलील दी गई थी। दूसरी तरफ सीबीआई लगातार इस बात का विरोध करती रही है कि मनीष सिसोदिया काफ़ी इन्फ्लुएंस है। जब वो मंत्री थे तो उनके पास 18 मंत्रालय थे और 18 मंत्रालय अगर वो जमानत पर बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को जान से मारने की धमकी दे सकते हैं। इस तरह की तमाम दलीलें दी गई थी, गवाहों को धमकी मिल रही है, इस टाइप की दलील दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को कहा था कि आप अपने अपनी जो स्टेटमेंट है वो लिखित रूप से कोर्ट में जमा करें और आज की तारीख तय की है। तो अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई वाले मामले में राहत मिलती है या नहीं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से लगातार ये भी ग्राउंड दिया गया था कि मनीष सिसोदिया चूंकि अकेले रहते हैं, उनकी पत्नी बीमार रहती है और उनका बेटा विदेश में है, ये ग्राउंड भी दिया गया। और अब तक की जो जांच सीबीआई की है, उस जांच में मनीष सिसोदिया का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, इस लिहाज पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी। लेकिन इसका विरोध लगातार सीबीआई करते हैं। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया सब कुछ जानते थे कि कैसे इस पूरे मामले में जो साउथ कैटल को फ़ायदा पहुँचाया गया, कैसे मीटिंग की गई थी, जो मसौदा तैयार किया गया था नई आबकारी पॉलिसी का, उसमें कैसे चेंजेस किया गया था, इसमें जो दूसरे अधिकारी थे उनके जो बयान रिकॉर्ड है उनको हटाकर किसी और को लाया गया, और जो कानून एक्सपर्ट थे उनकी राय भी इसमें रखी गई थी। लेकिन जब ये बिल पेश किया गया, जब इसको लागू किया गया था, तो उनकी ये राय की कॉपी उस आबकारी पॉलिसी से हटा दी गई थी। तो तमाम लोगों को स्टेटमेंट है। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट को भी काफ़ी तवज्जो दिया गया कि दिनेश अरोड़ा और तमाम जो लोग हैं, मनीष सिसोदिया के कहने पर ही इन चीज़ों को फ़ायदा किया गया। कोर्ट ने पूछा कि अब तक की जो जाँच हुई इसमें आप ये बताएं कि जो घोटाला हुआ है कितने का हुआ है, तो ये भी बताया गया कि 100 करोड़ के करीब का ये घोटाला है, हवाला के जरिए पैसे आए, इन तमाम दलीलें दी गई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के अपने अपने लिखित रूप से चीज़ें पेश करने के लिए बोला। अब देखना होगा कि आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई वाले मैटर में राहत मिलती है या नहीं। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल भी सुनवाई होनी है ईडी वाले मैटर पर, क्योंकि उनके वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने कल का समय मुकर्रर
रिकॉर्ड किया है। अगर इन्हें जमानत मान लीजिए 1% के लिए नहीं भी मिलता है ड्राउज एवेन्यू कोर्ट से, तो हो सकता है कि इनके पास जो दूसरा विकल्प है हाई कोर्ट जाने का विकल्प है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने मनीष सिसोदिया के लॉयर ने सबसे पहले, जब मनीष सिसोदिया की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, जिसके बाद उन्हें रोक लिया गया था और ये बताया गया था कि कैसे, कि आपको कंसर्न कोर्ट जाना चाहिए था, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। इसके बाद जो याचिका लगाई गई थी उसे वापस लिया गया। मनीष अभिषेक मनु सिंघवी उनके तरफ से लॉयर थे। तो आज देखना होगा कि क्या सीबीआई वाले मैटर में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा मनीष सिसोदिया के लिए, लेकिन जो उनकी मुश्किलें हैं फिलहाल कम होते हुए नज़र नहीं आ रही है, कि एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, दूसरी तरफ ईडी जांच कर रही है। तो ये तमाम चीज़ों को देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपके पास हम अपडेट के लगातार आते रहेंगे जैसे